तो वहीं संभल में वैक्सीन लगवाने के बाद एक छात्रा की हालत बिगड़ गई। आपको बता दें कि स्कूल प्रबंधन ने छात्रा का प्राथमिक उपचार कराया और फिर छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये पूरा मामला संभल के सदर तहसील के गांव छछेरा का है, जहां के जनता इंटर कॉलेज में कक्षा 10 की छात्रा मेहर निशा ने वैक्सीन लगवाई, जिसके बाद छात्रा बेहोश हो गई। उसे सीने में तेज दर्द की शिकायत भी हुई और कॉलेज प्रबंधन ने छात्रा को प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, जिसके बाद छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं डॉक्टर का कहना है कि छात्रा की हालत सामान्य है और उसका इलाज चल रहा है। इमरजेंसी में मेहर निशा ने की लड़की आई है, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है, जिसको कल कोविड की वैक्सीन लगी है। और घर वाले का कहना था कि बच्ची बेहोशी है, बोल नहीं रही है। मैंने देखा उसके सारे वाइटल्स वगैरह ठीक हैं, बच्ची बोल भी रही है, बात भी कर रही है, चल भी पा रही है। हाँ, वो तकलीफ बता रही है सीने में, ज़रूरी मेडिसिन वगैरह दी गई है। जौनपुर के शाहगंज तहसील के विकास खंड स्थित खलौतीपुर निवासी एक 21 वर्षीय युवक ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया है। वहीं युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि दिल्ली से आने वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट पॉजिटिव मरीज अब दिल्ली ही वापस चला गया है। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम लेकिन सौंधी गाँव पहुंचकर उसके परिजनों की जाँच करा रही है, साथ ही उसके संपर्क में आने वालों की भी खोजबीन शुरू कर दी गई है। बलिया में पिकअप और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे सड़क हादसे में एक की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले दोनों घायलों को ग्रामीणों और पुलिस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतसर भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने घायलों को की स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए उन्हें रेफर कर दिया था। ऐसे में जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं मृतक युवक पकड़ी थाना क्षेत्र के गौरनिया गांव का बताया जा रहा है। गढ़वार थाना क्षेत्र के रामपुर भोज गाँव के पास का यह पूरा मामला है। हापुड़ की थौलाना थाना पुलिस ने दो बदमाशों को हथियारों की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार और हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस द्वारा खुलासा करते हुए बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए बदमाश इंतजार पर चोरी, हत्या, धोखाधड़ी आदि से आपराधिक मामलों से संबंधित करीब एक दर्जन मामले पहले से ही दर्ज हैं, जो कि एक हिस्ट्री शीटर भी है। जबकि पकड़ा गया दूसरा बदमाश जावेद भी एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर संगीन अपराधों से संबंधित दो मामले दर्ज हैं। पुलिस द्वारा बताया गया कि पकड़े गए आरोपी थाना थौलाना के गांव भजेड़ा कला में घर के अंदर हथियारों को बनाने का काम करते ये लोग पिछले काफी समय से आ रहे थे, जिनके द्वारा 5 से 7 हजार रुपए में इन हथियारों को लोगों को सप्लाई भी किया जा रहा था। धौलाना पुलिस टीम के द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री है, वो पकड़ी गई है। इसमें जो दो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम इंतजार और दूसरे जावेद हैं। ये दोनों भजेड़ा कला जो धौलाना क्षेत्र में ही पड़ता है गांव, उसी के रहने वाले हैं। जो इंतजार है ये HSB है वहाँ का, और इस पर लगभग 11 मुकदमे हैं जो थाना धौलाना और अन्य राज्यों में भी इसके मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। वहीं जालौन में पेशी पर पहुंचे एक शातिर अपराधी पुलिस को चकमा देकर पुलिस अभिरक्षक से फरार हो गया। अपराधी के कोर्ट परिसर से फरार होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आरोपी के फरार होने के बाद कालपी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। साथ ही आरोपी जिस तरफ भागा है वहां भी पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है, जिससे उसे पकड़ा जा सके। ये भूपेंद्र सन ऑफ जगदीश यादव, इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, अभी पता कराया जा रहा, कलेक्ट किया जा रहा है। ये PS रावतान, PS जालौन का था और एक चोरी के मुकदमे में यहाँ पेशी पे आया था और पुलिस को धोखा देकर के ये भाग गया है। अब इसके खोजने का प्रयास जारी है और जो भी आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है की जा रही है, और हमारी SOG सर्विलांस और कदौरा आटा पुलिस कालपी पुलिस इसको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
तो वहीं मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर खेत में खाना लेकर जा रहे सोलाना गांव के किसान शौकीन की कार की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सूचना के बाद हाईवे पर पहुंचे हजारों ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। कई किलोमीटर तक दोनों तरफ जाम लग गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस से भी ग्रामीणों की नोकझोंक हुई और हाईवे पर परिजनों ने शव रखकर जाम लगा दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने मुआवजे और एक सरकारी नौकरी की मांग भी की है। रायबरेली में डकैती की योजना बनाते हुए बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 25,000 के इनाम या बदमाश सहित 11 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही गैंग के सभी सदस्य अंतर जनपदीय चोर हैं और भारी संख्या में असले डकैती डालने के उपकरण समेत मोबाइल और नकदी भी बरामद पुलिस ने की है। एसओजी टीम और सलोन कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने इन सभी को गिरफ्तार किया है। ये एक बहुत बड़ा गैंग जो है वो एसओजी रायबरेली और सलोन पुलिस द्वारा बनाया गया। इसमें कुल 11 सदस्य हैं और ये विभिन्न तरह के क्राइम जैसे कि लूट, चोरी और इवन की डकैती भी कर लेते थे और ये सभी के सभी इसमें प्रतापगढ़ लालगंज अठारह क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनके द्वारा पिछले विगत कई महीनों में सलोन क्षेत्र में लूट, चोरी और क्या कहते हैं डकैती की योजना बनाते समय तरह की वारदातें इनके द्वारा की गई हैं। सिद्धार्थनगर जिले की मोहाना थाने की पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने दो मोटरसाइकिल चोरों को वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ लिया है। जिसमें आपको बता दें कि एक चोर जिले के कपिल वस्तु थाना क्षेत्र का निवासी है तो दूसरा नेपाल देश के लुम्बनी जिले का निवासी बताया जा रहा है। इन चोरों के पास से दो मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं, जिनकी कीमत 1,15,000 रुपए आंकी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी सदर सीओ प्रदीप कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और मौके पर कहा कि पकड़े गए दोनों मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। टीमें ईसुपुर और ककरावा बॉर्डर पे चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान दो मोटरसाइकिल संदिग्ध मिली, जिनसे एक मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर थी, उस पर जो था विजय पासवान, उसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर 2014 में देवरिया कोतवाली से चोरी की गई थी और इसका उसने जो है फर्जी कागज़ और फर्जी नेम प्लेट बनवाया था और दूसरी मोटरसाइकिल सुपर पल्सर थी और उसके बारे में तहकीकात की जा रही है। बाकी दोनों के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत विधि कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।